सिकंदरा राव की 5 मिनट की बारिश में नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। अध्यक्ष मुशीर कुरैशी ने नाले साफ नहीं कराए, सभी नालों में गंदगी का अपार भंडार लगा हुआ है। वाल्मीकि समाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष बंगरबांट कर रहे हैं। आज हम मौजूद है हाथरस जिले के सिकंदराव तहसील में, जहाँ पर जैसा की नगर पालिका सिकंदराव का जो जल भराव है वो दिखाई दे रहा है। पीछे मैं दिखा रहा हूँ कैमरा में से, कोई पीछे जो जल भराव है लगातार, ये वाल्मीकि समाज यहाँ रहता है। वाल्मीकि समाज का 60 साल पुराना करीब मंदिर है, जहाँ वाल्मीकि समाज लगातार पूजा करता आया हुआ है। ये स्थिति है वाल्मीकि समाज के मंदिरों की, वाल्मीकि समाज के जो धारकों की जो पूजा करने आते हैं। गंदा पानी, इसका गंदा पानी नगर पालिका का, पूरे शहर का गंदा पानी, डंप का पानी जिसे बोलते हैं, नाली गंदा जिसे बोल रहे थे, शब्दों में मेरे फेर फेर है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार पानी इस मंदिर के लिए जा रहा है। ये मंदिर है, ये आस्था है वाल्मीकि समाज की। जो आज जैसा कि आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ प्रोग्राम करने के लिए वाल्मीकि समाज ने, ये देखिए टेंट के, ये मैं दिखा रहा हूँ कैमरा से कहूँगा, ये जो टेंट के लट्ठे हैं, ये लगातार यहाँ मंच बनाए जाने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा था। उसी संदर्भ में लगातार वाल्मीकि समाज आज इतना उत्पीड़न का शिकार हो चुका है नगर पालिका का, कि यहाँ पर नगर पालिका ने नाले की निकासी के लिए, कोई भी नाले की लगातार निकासी देखिए, नाले का कोई भी पानी निकासी के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। करीब मैं मानता हूँ कि सालों से, करीब 40-50 वर्षों से पानी लगातार कोई भी चेयरमैन आया, वाल्मीकि समाज को लगातार वोटरों को आश्वासन दिया, वाल्मीकि समाज को गुमराह किया कि वाल्मीकि समाज एक मोहरा बनकर यहाँ रह गया है। क्योंकि लगातार वाल्मीकि समाज कहते हैं दलित समाज है, लगातार लोगों के बहकावे में वो आता रहा है। आज वही रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार एक वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति है जो लगातार वाल्मीकि समाज के बारे में, हित के बारे में लड़ने के लिए तैयार भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पीछे जो वाल्मीकि समाज का लगातार कार्यक्रम भी इस जगह होते रहे हैं। वाल्मीकि समाज का लगातार यहाँ पर कई पिछले करीब 40-50 साल से होली भी जलती रही है यहाँ पर, लेकिन आज उस होली को वाल्मीकि समाज को गुमराह करके लगातार लोग, एक राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ जो नाम लेना सही नहीं है, राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ तक जो वाल्मीकि समाज की जो होली है वो जलती रही है, ये उनको ये दी जाएगी ना होली से, इनको कोई भी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज यहाँ जल निगम द्वारा एक पानी का टंकी का निर्माण किया जाए, जबकि लगातार मेरे कहा जाना चाहिए कि यहाँ पर पिछले जो नुमाइश ग्राउंड है उसके पीछे 2 टंकियां हैं, एक बड़ी टंकी, एक छोटी टंकी। यहाँ पर पानी की वैसे कोई भी जरूरत नहीं है, कि यहाँ का पानी का जो जमुना किनारा है, गंगा किनारा है, लगातार पानी का जो स्तर है वो लगातार बना हुआ है। फिर भी यहाँ पर ये पैसे का बंटवारा करने के लिए, पैसे की लेन देन के लिए, इस तरह की जो क्या कहना चाहिए, मुझे शब्दों में नहीं कहना चाहिए, इस जगह का जो पैसे का निकालने का लेन देन है वो लगा दिया, बंदरबांट की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर चेयरमैन साहब की और जो उच्च अधिकारी है। लगातार ये साहब को, चेयरमैन साहब को ये देना चाहिए कि जो दलित यहाँ का समाज है, देखिए यहाँ दिखाऊंगा ये पानी है, देखो ये बाइक गिर चुकी है, देखो लगातार ये बाइक है, ये पानी के जल भराव के कारण गिर चुकी है। लोग पीछे धक्का देकर लगातार बाइकों को निकाल रहे हैं। लगातार मैं कहूंगा कैमरामैन से ये दिखाए, ये पानी में देखो बाइकें बंद हो गई हैं, कुछ बाइकों को लगातार धक्का मारे हैं, क्योंकि लगातार ये कहते हैं ना कि दलित समाज, लगातार दलित समाज हमेशा उत्पीड़न का शिकार रहा है। और आज भी यही सिकंदराव का ये वाल्मीकि समाज का पूरा एरिया है जो समाज यहाँ पर, और मैं कहना चाहूंगा कि चेयरमैन साहब की जो स्थिति है, मुझे नहीं दिखता कि शायद उनको इस जल निगम की इस जो यहाँ पानी की टंकी है उसको हटाकर यहाँ पर शहर के चारों तरफ एक बड़ा नाला का निर्माण करना चाहिए, जो पानी लगातार निकले, पार पानी हो चुके। चलिए जानते हैं वहाँ के कुछ लोगों जो हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? ऋतुराज चंचल है मेरा नाम। चंचल जी, जैसे देखिए लगातार पानी यहाँ भरा हुआ है, आप इस समाज के होनहार युवा पीढ़ी के एक व्यक्ति हैं, तो क्या कहेंगे कि जैसे क्या नगर पालिका की स्थिति है? नगर पालिका साहब स्थिति यह है कि कम से कम 20 साल से हम लोग इतने परेशान है यहाँ पे, कि बरसात जब होती है तो घरों में पानी भर जाता रहता है, तो दो बाल्टियों से भर के पानी फेंकते हैं। उसका उपरांत नगर पालिका केवल टंकी बनवा रही है, मोहल्ला रोशगंज में दुकानें बनाने का काम कर रही है, पार्क नहीं बना सकती दलित बस्ती के अंदर, ना ही भरातर। जो आज से 15 साल पहले वर्षावास में चेयरमैन थी, उनके पेट में भरातर प्रस्तुत हुआ था वाल्मीकि बस्ती के लिए, 20 साल से हमारी होली चलती आ रही है यहाँ पे।